तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अब तक। अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर तो बोलिए। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहाँ आपको देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रुपये और बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो यू भी और दिखाते रहिए प्यार कमेंट्स में, करते रहिए लाइक सब्सक्राइब कम और क्या कर सकते हैं, और ऐसे ही गाली गलौज करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बताते रहिए आप अपने फैंस के बारे में कि वो कौन है क्या है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो आज हम लोग फिर एक मुद्दे में फंसे हुए, जिस मुद्दे में थे उसी मुद्दे में अभी तक बात कर रहे हैं, बातचीत होगी यार। एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस कंट्रोवर्सी को हम लोग सॉल्व करने आए अपने मोस्ट कंट्रोवर्सी चैनल पर। यस, सॉल्व कुछ नहीं होगा और बढ़ाएंगे ही हम लोग असलियत तो ये। तो भाई रिप्लाई पे रिप्लाई, रोस्ट पे रोस्ट और डिस पे डिस आ रहे हैं, तो हम लोग उस अपने लड़ाई के बारे में बात करते हैं भाइयों के बीच में जो हो गई है। तो जरा बता दें कि क्या है आज का अपना मुद्दा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो लगातार हमारे चैनल पे सीधे मौत वर्सेस SOS के रिप्लाई का ही हम लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट जो उनके आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा अपना व्यू रख रहे हैं। और जो लास्ट ट्रैक हमने लास्ट दो ट्रैक सुने थे उसमें हम लोगों ने अपना व्यू रखा था कि सीधे मौत के ऑनकोर ने अपनी गांड मराई है, अगर उसको चीजें पता थी तो उसको ये गाने पे ना गा के इस चीज के बारे में और अच्छे से बात करनी चाहिए थी पब्लिकली, ये गाना डाल के ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था। उसके बाद हमें इनका डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था रश्मि चारम, जो कि हमें लगा था कि मजेदार नहीं होगा, तो उसने भी बोला था कि वो आता है सबूत के साथ, तो शायद वही सबूत लेके आया है। तो 8 मिनट 50 सेकंड्स के आसपास कुछ का गाना है, मतलब ऑलमोस्ट 9 मिनट मान लो। तो आज ये नहीं कुछ तो 20 मिनट तो हम लोग घसीटने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का क्या सीन था। अभी तक जितना भी हम लोगों ने रिएक्शन किया है, फिर से बोल दे रहे हैं, वो इन लोगों के जो आर्टिस्ट के आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन थे उसके हिसाब से हमने चीजें बोली हैं या टारगेट किया है, कुछ अपने मन से नहीं बनाया है। अब आज के ये गाने को सुन के हम लोग डिसाइड करेंगे कि राउंड 2 का ही ये दूसरा गाना उनका हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी हिसाब से मार्किंग करके फिर देखते हैं कि राउंड 2 का विनर कौन है, ठीक है। अगर ये गाना अच्छा किया और पहले वाला अच्छा नहीं किया था तो फिर हम इसका जो मार्क्स होगा उसका और पहले वाले के मार्क्स को माइनस कर देंगे। कितना था पहले वाले में मार्क्स? इतना यार थोड़ा माटी भोसड़ी, फिर देख लेना तुम लोग खुद कर लेना वो चीज। तो स्टार्ट करें, शुरू करते हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है, फिर स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। तो इन लोगों का जो रिप्लाई आया है उस गाने का नाम है कवि कहना चाहते हैं। ओहो, तो कवि क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं, वो देखते हैं, स्टार्ट करो। एक तो जब हमने मोह से बात की कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, मोह ने भी बोला था नहीं ब्रो लगा सब सीधे मौत के लिए गाया। उसके बाद अभी तक तो उनको ही जब तुमने ये लोग ऐसे पुट रहे थे नमस्ते इसके वन ऑफ दो सॉन्ग, उसके बाद लाइक तू भी मतलब हमारा भी वो चल रहा था कि भाई क्या कर रहे हो कितना लिख रहे हो वगैरह, और तूने को बोला था इनसे पूछ, एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा था यहाँ पर कि ब्रो क्या सीन है, बिकॉज आई थिंक मेरा सिमिलर कॉन्सेप्ट रेडियो गाइस, एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना किया क्यों भाई, सोच के बोल रहा है कि झूठ बोल रहा था इसलिए इसको बनानी पड़ रही थी बातें, दोनों बातें सोच के बोल रहा हूँ, ठीक है रिप्ले कर दो। छयानवे का सड़क छाप या बातें घुमा के बस करता है बात, एंथम में बनता है अजमल का साहब, तू मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज, मैं पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच, दो एक कम दो दो दुनी चार पर मुंह बोले पांच, तो दो दुनी पांच, अजा भाई रखू मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उसे तेरी खबर है सच नहीं, फोन को हैक करने वाली बात और न्यूट्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मातर साथ में खड़ा हूँ लेके अप्रूफ भाई, यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा। बोल रहा है कि तुमने जो बात करी थी न्यूट्स वाली वो सब चीज वाली, इसको प्रूफ लेके खड़ा है, क्या लेके प्रूफ खड़ा है, क्या सच नहीं है? हाँ प्रूफ दो मुझको, वो बातें सच नहीं है, तो तू प्रूफ करना कि वो बातें सच नहीं है। ये कैसे करेगा भाई, जैसे वो करेगा प्रूफ भाई, इसके पास कुछ तो होना चाहिए, सीसीटीवी भी इसने कुछ कुछ ऐसी लगा के रखी देख इसी टाइप की, हाँ चार इमेजेस ये कुछ अपना व्हाट्सएप चैट से निकाल के लगा दिया, बट भाई अगर तुम्हारे जैसे एक रेप
केस रहता है उसमें कितना भी सही हो लड़का, प्रूव उसी को करना पड़ेगा कि उसने नहीं किया है ना। लड़की तो फंसा के निकल जाएगी, तो वैसे ही इस एलिगेशन में भी फंसा दिया है उसने, अब तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम बेगुनाह हो। वो क्यों देगा प्रूफ लाके, उसका तो काम था तुमको बोल दिया उसने, चूना मार दिया ये लोग। लिखा देख मेरी छाती पे किधर से देख निशान, कहीं से भी आए होंगे, गिरे होंगे कहीं, बोल हमें क्या होता, देख किधर से आए, किधर से देखा मतलब निशान, वो कह रहा उससे पूछ रहा है निशान तूने किधर से देखा। बट वो तो बोला है किसकी छाती पे बुलेट का निशान है पिछले तो गाने में, पूछ बोला रहा है किधर से देखा निशान, किसी से मरवा रहा होगा, वो खोल के बैठा होगा तब देख लिया होगा। 7-3 साल आए ना। मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा, तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जेड़ा दोबारा तू बोलेगा, तू जल्दी ले समझ कि वो भी इंसान, वरना तू किन्नरी से पिटेगा। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे, मैं ना झूठ सहता, तेरे दिल वाले गाल पे मैं घुसू चैंटा, तेरी लगे सी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, तू नहीं बेस्ट इन द बिस्ट, तेरे मुंह पे कहता था निकाना तेरा डिस था, कश्मीर एजेंडा, इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डेंडा। हिंदुस्तान की कसम ये हारा, मेरी जीत नहीं इनसे गवारा, हो रही अवाम को खाली बटकारा, नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा, बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा क्या के ये मजहब पे जा रहा, बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, देश में नफरत की आग फैला रहा। चल छोड़ दू मेरी अब करनी मैं बात, लेबल से निकला था बता क्यों राग, प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची, वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। पर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है, सच ना बोले जराबी है पेट पे मेरे तो ना लिए, दोनों को पहलू मैं दोनों को खा जाए, हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है, काफी निहाई थी बंदा है एपीजे पता तू, अभी तक कितने का कटा तू, अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दू, चैट से मेरे पे सारी की सारी, वो वीडियो के आगे मैं लगा दू, बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त एपीजे मजा लो धंधा है बंद तेरा लेबल कहाँ तेरा, चलो 1 मिनट में तो हाइप ले रहा, बाकी और भी आर्टिस्ट काम बिना जिनके पैसों से बना तो खुद से ना, बे कांड में डालिए एलिगेशन तो से मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन, दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूँ मेडिटेशन, अबे बहन की शर्म कर डिस के नाम पे फैलाता हेट, तू आके बदाम ले थोड़ा सा काम ले, छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल, आवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में, काम ना होता तो होता ना यहाँ पे, तेरी घर वाली है मेरे मकान पे, बदनामी हो रही है तेरी बाजार में, उदय का नाम ले मुंह संभाल के, उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे, देश की बात अल्लाह ना जबान पे, पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है, मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में, मेरे जाने के बाद भी वहीं पे तले, हमें बोले तेज द्रोही जात, कश्मीरी होना यहाँ गलत है, 7 साल कश्मीर से बाहर में दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के, तो जैसे चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते, लीक की बात तब करेंगे बैठ कर, मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर इनसिक्योर। उसने बात करी कि सीधे कोर्ट तक जाने की, कह रहा कि ये तो बातों से बहस नहीं चल पाएगी, बात करनी है तो कोर्ट में आगे बात होगा, सही कह रहा है, सही तो कह रहा है, बट जैसे झूठ बोलना हम सबकी फितरत में है आजकल, तो जब एक डंके की चोट पे झूठ बोलना होता है ना, तब आदमी यही करता है, ठीक है भाई आ जा वहां पे मिल ले, पुलिस के पास चल ले, हाँ भाई वीडियो कॉल कर लो, देख लो मैं ऐसा हूँ, तो वो एक उसमें घमंड में झूठ बोलोगे तो वो भी सच की तरह ही लगने लगता है ना, तो वही वो कर रहा है मुझे लगता है, कि तुम्हारा क्या कहना है कि वो सच ही बोल, सच क्या है, सच क्या है झूठ क्या है तो हम लोग पता ही नहीं है, हम लोग तो दोनों लोग की बातें सुनने के, वो इधर बोल रहा है इधर बोल रहा है, तो हम लोग भी किसी के फैसले पर नहीं आ सकते कि हाँ क्या सच है क्या झूठ है। हाँ तो मेरे हिसाब से ये है कि ये डंके की चोट पे झूठ बोल रहा है इस तरीके से कि आजा कोर्ट पे आजा फिर बात करते हैं, तो मैंने ये बोल करेगा ये सब टाइम तू जज कर रहा है, तो मैं बोला क्या करूंगा फिर, मैं जज ही ना करूंगा, कोर्ट तक जाने नहीं देना ना, मैं ही जज कर देता हूँ, ऐसे जज बनते हैं लौंडे ये दोनों, तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर, फिर पेट प्रमोशन कर रखे ये मुंह से, लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल, तुम सीखे हो उसी से माइक पे चढ़ना, बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना, अभी भी वक्त है काम तू बदले साइड, तू जानता सच है किधर, तो हिजड़ा बोला मुझे हट साले, आखिर वो भी तो होते हैं इंसान, ये काम को बोल रहा है साइड बदल लेने के लिए, तो अकेला जो ऑनकोर है वही हरामी लौंडा है क्या उसमें है? ये बड़े वाल वाले को कह रहा है तू साइड हट जा, तेरा इसमें पंगा नहीं है, तेरे को पता है कौन सही है कौन गलत है, मेन टारगेट किसी को कर रहा होगा ना ये, लेटेस्ट वाला उसने ही पूरा पूरा निकाला था ना, अकेले पूरा कर आया था शायद, इसलिए कह रहा हूँ काम भी साथ में कर आया था, तो फिर शायद दोनों को पहनता है लोग। अच्छा अब ताली बजाऊंगा तेरी मैं मौत, मैं करूंगा तुझे भी रसवा, बाउंसर चाहिए तुझे तेरे ही शहर में, गांड में देना कोई डंडा, और हमें तुम्हें ना घुसने दिया सालों, कैंसल सारा प्रोपेगेंडा। ये कैसा बात हुआ बाउंसर चाहिए तुझे तेरे ही शहर में, ये लोग फेमस हो जाएगा, ये लोग बिना बाउंसर के घूमेगा नहीं,
तो फिर चाहे कश्मीर में हो चाहे दिल्ली में हो, ये भी काउंसिल घूमेगा, सभी घूमते तो हैं। इसमें इतना स्मार्ट क्या बन रहा है अबे जहाँ लोगों पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है वहां तो जाने बाउंस को, और क्या, यार उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे तुम, सेफ्टी के लिए होता है। वो तो जान पहचान के अबे होता जिस पास नहीं होता वो थोड़ा सा रोता है ना। है। हाँ चलो शुरू। What I've observed from day one is there's always been this circle, you know, of Mohammed, Naseed Mohammed, or and it's just them deciding ki kya hai. It's never gone past that way. It wasn't a very inclusive space, you know. It's we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this very the kind of a groupism was going on there, you know. It was always like I always felt like an outsider there, you know? And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there, bro. Even if I could, they wouldn't let me for sure. And it's very obvious by the things they did and are still doing. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme, bro. And sooner or later, was gonna get called out for this shit, bro. रो क्या रहा है तू आगे? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक नॉर्मल थी चीज तो है भाई, जो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, उसको ज्यादा फायदे मिलेंगे इस चीज के। इसमें ये लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि ये तो वही वाली बात हो गई कि एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेल कैटेगरी जो होती है वो ज्यादा रेवेन्यू लाती है इसलिए उनको ज्यादा पेमेंट मिलती है, फीमेल कैटेगरी कम रेवेन्यू लाती है उन लोगों को कम पेमेंट मिलता है, कम उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इस चीज को ये लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि औरतों को दबाया जा रहा है, जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस हिसाब से उनको फायदा मिल रहा है, और उसके परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो उनको फिर भी ज्यादा मिल रहा है कम्पेयर टू मेन। तो वैसे ही यहाँ पे चलो परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बट सबके लिए डिसाइडेड होगा ना, ऊपर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते होंगे। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, पोंजी स्कीम है, बाउंड्री स्कीम है, तुमसे काम एक बोला गया करने के लिए तुम वो कर नहीं पा रहे हो, गाने तुम बना नहीं पा रहे हो अपने लेवल के लिए, फिर कहते हो कि आजादी एक पोंजी स्कीम है। तो इसने इस चीज शुरू क्यों की फिर डिस वाली बात? वही तो, अच्छे से अपना खुद से कर लेता सॉर्ट हो जाता सीम, तब तो उसे रोना था, इसको मेनली आके रोना था। और ये साले सब, और अगर ये लोग ये चीज कह रहे हैं कि आजादी ने हमेशा से ध्यान दिया सीधे मौत पे, तो सीधे मौत थोड़ी गलत है यहाँ पे, गलत तो आजादी रिकॉर्ड था वो। तो आजादी रिकॉर्ड मेरे ख्याल से सीधे मौत पहले उसके पास होगा ना साइंट, ये बात में हो गया होगा कि पहले ये लोग तो बाद में गए। हाँ, तो यार वो तो उसका पुराना अगर क्लाइंट है या फिर पुराना सिंगर है तो उसने देखेगा हिसाब से काम करेगा, उस पर मेहनत करी उसने इन्वेस्ट किया इतना टाइम लगा है, जब आ रहा है तो भाई वो फायदा तो ले रहे। और क्या, चलो ऐसी बात करते हैं यार लोग आदत छोड़। क्या है बीफ, मार के सज्जूद को बताना क्या है बीफ, अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ, माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ, कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ, जरा स्कैल देम वीडियो चलाना, असल देशद्रोही है ये लड़का बोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रेक, ये अंडर एज कूड़िया पटाता इस ट्रैप, इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट बोला। क्या बोल रहे हैं, अंडर एज कूड़िया पटाता, वो इसके एलिगेशन जिसको लग रहा है वो सब बता रहा हूँ ना, ये इसको कह रहा है क्या नाम है ऑनकोर को कि वो अंडर एज लड़कियां पटाता है। अब वो इधर से उसने लगाया तो इधर से एलिगेशंस हैं भाई सब सब देख रहे हैं। पहले ये फिर दो दो डिस निकाला यूट्यूब बाजी रेडिट पेज के खिलाफ सब कुछ अटवा रहा, कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवा रहा, इसकी नींदे चीरी मैंने इसको आता नहीं आराम अब्बा, ओए ओए पत्थर बाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थर बाज, मैं शैतान ने ये सारे जब पुदे की अम्मा चल बसी, इनको ना पड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है, और ए एनआरआई का चौदह क्या बोल रहा, हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है, GRGI पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में, जाके पूछो तुम मैं निखिल से आजादी क्या, जाके पूछो तुम मैं अली से आजादी क्या, जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या, जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या, कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का, इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का, ये मुंह नहीं लगता इसको खौफ है तलाशी का, ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का। तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS, सो मैं से तुझसे 30 क्रीम जीना SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे SOS, TBS से मतलब टट्टे बने सीधे मौत, टट्टी बचे शिटी मूंछ टेढ़ी भुन सड़ा मुंह, TBSM तेरा भाई सीधे मुठ, दिल्ली को प्यार पर SM को तो फैल बे, सीधे मुठ इस लोगों ने हम लोग से सिखाया क्या, हमें लोग बुलाते ना सीधे मुठ, गुड
शाबाश, ऐसे ही देखते रहो वीडियो, ध्यान दे रहा है, बढ़िया डिश निकाल ले जाओगे फिर। ध्यान दे रहा है, ध्यान दे रहा है, सीख रहा है क्या? सीधे मां नीचे बहुत माना मैं हम है परे नीचे बहुत आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉर्ट नटखट में पहले बोला आलमगार नहीं सुना फिर क्या था शॉर्ट आउट था तो फैल को ये खटमल है सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है उम्र में पड़ा हमसे पर रकल से अकमल है स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह ये चटक चुका सर के बल के राता शायद बचपन में रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बद्दुआ ये मन मुंडा नसरा ये मन ना पोशिका कोशिश कितना कुछ देखा इन दिनों शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि what we've been through all these years because of them it's a bloody game nothing else हमारी मेहनत हमारा काम it's a bloody game मगर अब नहीं और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है Speak up before it's too late. Industry games are done. और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है. जोर से बोलो. जोर से बोलो. जोर से बोलो. जोर से बोलो. भाई ये सब मोलेस्टेशन मोलेस्टेशन क्यों क्या कर रहा है भाई ये इधर से बोल रहा है इधर से बोल रहा है. पता नहीं कौन मोलेस्ट हो रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा. इन लोगों को पता अब क्या करना पड़ेगा ये लोग सही में रिपोर्ट करना मांग रहे दूसरे के ऊपर इन लोगों का केस ही मां जो लाइव कर दो अगर मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे एप्लीकेशन लगा रहे मतलब ये लोग रहे भी साथ में तीन साल मतलब ये लोग ने किया तो किया सारे काम बस एक ने बोला यार ये कर लेते क्या तो इनने बोला ये तो उसी ने बोला था उसके ऊपर डाल देते हैं इसने बोला यार अगर मैं तो पत्थर पे चला देता हूँ उसने बोला इसने बोला इसलिए पत्थरबाज है क्या भाई तुम लोग एक आपस की बातों को मां जो ये सब चीज को ऐसे डिस मत आपस की बात क्या भाई ये केस करो भाई तुरंत करो भाई और काम से वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत सारे पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते गंदे लोगों से और गैंगस्टरों के जातिये पीते खाते ये घर का नकाट का रहेगा हमारे नाम से डरेगा हमें जब याद करेगा तब ये सेज से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा और ना दबे गिरेगा घुमाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में जो भी म्यूचुअल्स है ना पेजेस के साथ ये लोग ना जा जाके है ना पेजेस को बोल रहे कि ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को एक एक पेज को ठीक है और ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो इसके ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे तो ये वो सब कर रहे हैं ये हर बार निर्भया वाली बात लेके आते हैं कोई बता ही नहीं रहा है हम लोगों को कि कमेंट में बता दे सब मुंह चोदी करने आ जाते हैं मेन बात बता ही नहीं रहा मुझे बोला गया कि गेट करो हम तो उस चीज को तो नहीं मतलब तो जान मराएंगे पास पार्टी करनी तो भाई फिर क्या तो भाई क्या समझे इस गाने से कैसा लगा गाना क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में देखो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला डिस तो उससे काफी अच्छा था जो उसने रिप्लाई निकाला था एक रश्मि चरम के ऊपर वो वाला भी गाना नहीं आना चाहिए वो वाला की जगह ये टाइम लगे ये निकालता ना और तो टाइम ज्यादा लिया भी दो दिन तुरंत ही निकाल दिया तो वही है कि उसमें उसने कुछ एलिगेशंस लगाए वो भी बड़े खतरनाक एलिगेशंस थे जिसकी वजह से इसकी गान टूटनी चाहिए थी अब इसने भी कुछ एलिगेशन लगा दिए हैं तो अब उसकी भी गान टूटनी चाहिए एलिगेशन इसने तो कुछ ऐसे लगा नहीं पाया क्या भाई अंडर एज लड़की के साथ भाई एलिगेशन वही रिपीट किए हैं जो उसने इसके ऊपर लगाए थे तो वही एलिगेशन इसने रिपीट करके उसके ऊपर लगा दिए इसने पत्थरबाजी सब थोड़ी बोला था उसने तो बोला था इसको उसने बोला था कि आतंकवादी है उसने ये बोला कि ये पीडोफाइल है 14 साल की बच्ची घुमा रहा है तो लड़की वाली बात उसने भी की थी तो लड़कियों की बात की थी कि उनके पास फोटोज रहती हैं बट ऐसा थोड़ी कहा था कि हाँ अंडर एज लड़कियों को एज की बात नहीं की थी इसने एज की बात कर दी अब देखो क्या सही है क्या गलत है हाँ, लेकिन तो वही है कि लड़की के मैटर दोनों लाइनों में आई है ये मान लो चारों ना चारों नारे की ढीले दो ग्रुप से आप तो समझ रहे हो ना फकिंग इडियट्स तो ये लगता है मुझे कि लोग दोनों लोग जो है नाले के ढीले हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अब मुझे तो ये लग रहा है कि लोग 33 गाने नहीं लिख रहे हैं भाई ये सब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये प्लान लग रहा है पूरा का पूरा बहुत तेज गाने लिख रहे हैं बट इन लोगों की प्लानिंग खराब ना हो जाए क्योंकि ये लोग अगर ये प्लान करके ऐसा कर रहे हैं तो ये सब बातें बहुत गहरी हो जा रही है उस हिसाब से कि इनको मार ही पड़ गए बिल्कुल यार एकदम अच्छी बातें
गंदी चीजें हैं सब। गाने तो गाने में बात कर लेते हैं, की बात है, बताओ क्या है, कैसा बात तो हो ही रही थी, था गाना? आती है। चलो मतलब मेरे को ठीक लगा, डिसेंट लगा, बट उतना अच्छा खासा ये रिप्लाई नहीं दे पाया उसको। ठीक है, ये एक तरफ अपना मुंह तोड़ इमेज, जवाब नहीं दे हाँ, पाया। मुंह तोड़ जवाब नहीं हो पाया क्योंकि इसकी खुद की गांड टूटी हुई है ना। हाँ कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, देखते रहते देख। तो फिर और कुछ बात करने का? बस मेरे पास कुछ नहीं। बात यही है कि ये मतलब डिस वो रिप्लाई डिस था, लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं आया और मजा नहीं आई। मतलब बाकी म्यूजिक व्यूजिक मुझे ठीक लग रहा था, हाँ म्यूजिक ठीक था, लाइंस भी ठीक थी, लेकिन है कि जिसको आप रिप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं था। मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं था। बाकी ऐसे सुनोगे तो मतलब ये बोल रहा है जो, तो लिखा इसमें ठीक है, बट वो अगर किसी के रिप्लाई कर रहे हो तो उसको फिर और तगड़े से तोड़ना पड़ता है, वो चीज़ नहीं मैच कर पा रही थी। बाकी ठीक है, एवरेज था। म्यूजिक व्यूजिक बढ़िया लग रहा था, पकड़ रखा था पूरा गाना। हम लोग इस बार ज्यादा बोल रहे थे क्योंकि सुन रहे थे, तो चीज था कि सुनना इंटरेस्टिंग था, रिप्लाई क्या कर पाता ये। तो फिर अब कुछ बोलना है किसी को, नहीं तो नहीं हो गया सीधे पॉइंट आउट पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करे बिना। मेरी तरफ से। 2 नंबर, चलो 2.5 कर लो। किस चीज की, किस चीज की पॉइंट बताओ। फाइव लिरिकल वीडियो का। तो हाँ दो, वही अपना गाना और ये सब के ऊपर, क्योंकि मेरे को मुद्दे उतने खास लगे नहीं इसके, कि ये रिप्लाई कर रहा हो या अपने आप को डिफेंड कर रहा हो, दोनों में से कुछ नहीं कर पाया ये। उसने बोला तू मोटा, अबे तू मोटा लौंडा, बस वही किया है। कहता हाँ, है भाई उठता जो आता कहता है वही होता, यही कह देते हैं फिर थोड़ी चलो ये। चलो मेरी भाई, तरफ से भी 2 नंबर है बीट्स और म्यूजिक के, बाकी ठीक है यार, मैं दोबारा नहीं सुनने वाला हूँ। ये अबे डिस्क कौन दोबारा सुनता है? अरे यार सुनते जैसे थे एलुमे रफ्तार बंटाई वाले, रफ्तार वाले का सुनते थे कि हाँ भाई दिया दबा दे तो। छोड़े यादें दिखाओ। तो मेरी तरफ से है इसको 3 पॉइंट। अगर इसने गाना मतलब पहले से प्लान नहीं है, प्री प्लान नहीं है, और डिस इसने अभी लिखे हैं 2-3 दिन के अंदर, तो ये गाना इसने ठीक ठाक लिख लिया है कम टाइम में। इसका दिल तोड़ दिया तुमने, ये अपने आप से वो चीज सोच के बोला है 1 नंबर, उसका अलग से दिया, यानी 2 नंबर देना चाहिए था इसको भी। यस खुद से तुमने लिखा ही नहीं, मतलब खुद से लिखा है बट ये प्री प्लान्ड है, जो बात है वो साफ है। कोई आके भोसड़ी का गान बजाने कमेंट सेक्शन में नहीं मानेंगे हम, कितनी भी किताबें ठीक खोल लो है, तुम तो। अगर तुम टोटल 3 दिन में इतना बड़ा गाना लिख सकते हो तो तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम गाना बना बोलो ठीक है, और तुमने रिप्लाई नहीं कर पाया उस लेवल के जैसा मैं सोच रहा था तुम कर दोगे। बाकी हमको तो पॉइंट देने हैं, हम अपने पॉइंट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, और म्यूजिक के हिसाब से दे दिया है 3 नंबर। तो टोटल कितना हो गया दोस्त? टोटल हो गया 3 4 10 10.5, 15 में से ढाई अच्छा दिया था ना मैं, ढाई 2 साढ़े 4, अरे सॉरी सात 7.5, 7.5, 7.5 नंबर 15 में से, वो ही हाँ हो आधा, गया मादा चोरी। हाफ ला पाया, गिर हाफ स्कोरिंग मैच हुआ ये तो। चलो फिर है, गए तुम तो मिलते हैं फिर उसके रिप्लाई पे। सारा।